Next topic, unit second, consumer equilibrium. Utility refers to bond satisfying power of commodity. यहाँ पर हम utility का जो definition दे रखी है वो दे रखी है कि utility से मतलब होता है bond satisfying power of commodity. अगर हम utility की बात करेंगे, utility होता क्या? तो utility से मतलब यहाँ पर होगा कि जैसे अगर हम गर्मी में से आए हैं, कहीं से घूमकर गर्मी काफी ज्यादा है, बाहर से घर में अंदर आए और हमारे सामने एक ग्लास ठंडा पानी रखा हुआ और एक कप जो है वो चाय रखी हुई है. अब इसमें से हम कौन सी चीज चुनेंगे? अगर हम बहुत ज्यादा गर्मी है और बाहर से घूमकर आए तो स्वाभाविक है कि हम जो है वो एक ग्लास ठंडा पानी जो है वो प्रेफर करेंगे, चाय नहीं करेंगे. लेकिन इसी कंडीशन को अगर उल्टा कर दिया जाए कि हम बाहर से घूमकर आए, ठंड बहुत ज्यादा है और सामने एक कप कॉफी या चाय रखी हुई है और एक ग्लास ठंडा पानी रखा हुआ है, तो हम जो है उस समय पर या तो कॉफी पियेंगे या चाय पियेंगे. तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि उस कमोडिटी में उस समय पर जब हमको जरूरत है तो कुछ ना कुछ उसकी उसमें कुछ पावर है जो हमारी नीड्स को, हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर रही है. तो यही यूटिलिटी का मतलब होता है. यूटिलिटी रिफर्स टू वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. अब जब यूटिलिटी की बात की जाती है तो यूटिलिटी जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर का यूज करते हैं, लिक्विड को मेजर करने के लिए लीटर का यूज करते हैं, उसी तरीके से जब हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूटिल का वर्ड, यूटिल वर्ड जो होता है वो पैरामीटर के रूप में उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. तो यहां पर यूटिलिटी को मेजर करने के दो अप्रोचेस दे रखे हैं, कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल अप्रोच. कार्डिनल अप्रोच ये कहती है कि जब हम यूटिलिटी को अगर नंबर्स में मेजर कर सके, यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर और यूनिट्स लाइक 1, 2, 3, तो वो जो है वो कार्डिनल अप्रोच है. अगर आप कहीं पर भी गए होटल में और वहां पर आप जा रहे हैं कोई भी ऑर्डर दे रहे हैं, अगर जो भी आपकी पसंद की चीज है, तो यहां पर ये अप्रोच ये मानती है कि आप पहले से आपको पता है कि अगर आप 100 रुपए उस चीज पर खर्च कर रहे हैं तो आपको 100 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिलेगा. दूसरी चीज पर 80 का मिल रहा है, तीसरी पर 60 का मिल रहा है, तो आप उसमें से जो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा आप उसको ऑर्डर करोगे. तो यहां पर यूटिलिटी जो नंबर में मेजर की जा सकती है वो जो है वो कार्डिनल अप्रोच है. जबकि रियल लाइफ में अगर हम देखते हैं तो कार्डिनल अप्रोच पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि हर चीज का आप होटल में गए हैं, पूरा मेन्यू आपके सामने है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा यूटिलिटी का चार्ट बनाकर ले जाओगे और उसके हिसाब से ऑर्डर करोगे. जो रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, तो उसकी क्रिटिसिज्म होने के कारण एक नई अप्रोच है जिसको ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कहते हैं. जैसे अगर हम होटल में गए, फ्रेंड्स सारे गए हैं पार्टी के लिए, तो वहां पर ये होगा कि आप जब ऑर्डर करेंगे तो वहां पर ऑर्डर करने का जो तरीका होगा वो नंबर्स के बेस पर नहीं होगा, वो प्रेफरेंसेस के बेस पर होगा. किसी जो फ्रेंड है उसको डोसा पसंद है, किसी को इडली पसंद है, किसी को बर्गर पसंद है, किसी को पिज्जा पसंद है, तो सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस है. आइटम सारे वहां पर अवेलेबल है, मगर आप उसमें से जो भी डिशेस है जो अलग अलग अवेलेबल है, मगर उसमें से आपके जो प्रेफरेंसेस है आप उनको चुनोगे, तो ये जो है वो आपका ऑर्डिनल कहलाता है. अब इसके बाद आता है मार्जिनल यूटिलिटी. अगर हम बात करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, अगर आगे इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ आएगा, मगर अगर हम मान लीजिए कि हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है और हमने पहली रोटी खाई है, तो हमको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसके जितना सेटिस्फेक्शन उस टाइम पर मिलेगा, दूसरी रोटी पर हमको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तीसरी पर उससे थोड़ा कम मिलेगा, ऐसे करके 4 या 5 रोटी के बाद आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो कम हो जाएगा और आप खाना पसंद नहीं करेंगे. तो हर एडिशनल यूनिट पर कंजम्पशन पर जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है. कि हर एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन पर आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है. जैसे इस शेड्यूल को अगर देखें कि फर्स्ट रोटी खाइए तो आपको 8 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 2 से आपको 6 मिल रहा है, 3 से आपको 4 मिल रहा है, 4 से आपको 2 मिल रहा है, तो धीरे धीरे ये जो फर्स्ट एडिशनल यूनिट पर 8 था, 2 पर आपको 6 था, 3 पर 4 था, तो ये जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी है. अगर हम इसको ही ऐड कर दें, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि एक तो होती है फ्रीक्वेंसी, एक आपकी होती थी फ्रीक्वेंसी होती थी, और दूसरी जो होती थी वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती थी, एफ होता था और सी एफ होता था. तो जहां पर हम
जब हम टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं कि आप पहली रोटी खाने पर आपको एड सेटिस्फेक्शन मिला है, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपको अगर सीएफ बनानी है तो ये तो फर्स्ट एट आ गया, सेकंड में क्या होगा 8 + 6 = 14 हो जाएगा, थर्ड में क्या होगा 8 + 6 + 4, तो ये आपका जो है वो टोटल यूटिलिटी है, मतलब जितना ज्यादा आपने कंजम्पशन कराया, 2 यूनिट आपने कंज्यूम करी है तो 14 सेटिस्फेक्शन मिला, 3 यूनिट अगर आपने कंजम्पशन करी है तो आपको 18 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला, 4 यूनिट पर आपको 20 मिला। जितनी भी यूनिट्स आप कंज्यूम करते जा रहे हैं उनका जो एग्रीगेट होता है, उनका जो एडिशन होता है, वो जो है वो आपकी टोटल यूटिलिटी है। इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। ये जो है वो टोटल ये जो है वो सम है जो कि आपने जितना भी कंजम्पशन करा है उससे हर एक यूनिट से जितनी भी आपको यूटिलिटी मिली है उन सबका एग्रीगेट या उन सबका टोटल है, और वो जो है वो आपका टोटल यूटिलिटी कहलाती है जितनी भी यूनिट्स का एक साथ कंजम्पशन करा है। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो आता है वो आपका आता है कि टीयू और एमयू का एक तो शेड्यूल हमको समझने की जरूरत है और दूसरा उसके बेस पर हम जो ग्राफ बनाएंगे उसको हमको समझने की जरूरत है। जैसे हमको एक शेड्यूल दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है कि फर्स्ट यूनिट कंजम्पशन से आपको 8 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सेकंड से आपको 6 मिल रहा है, थर्ड से आपको 4 मिल रहा है। ये जो है इसको समझना ज्यादा आसान होगा अगर आप इसको फ्रिक्वेंसी मान लें, ये जो है वो आपकी फ्रिक्वेंसी है और ये जो है ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, जो आपने 11th में पढ़ा होगा कि हम फ्रिक्वेंसी को लेते हैं और फ्रिक्वेंसी को ऐड करते हुए चलते हैं तो वो आपकी जो होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकलती है। तो वहां पर ये आपकी हर यूनिट एडिशन यूनिट पर जो आपको कंजम्पशन पर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो मार्जिनल यूटिलिटी है, और उसका अगर आप एडिशन करेंगे तो वो आपकी जो होगी वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। अब अगर हम इसका कुछ रिलेशन देखें, हमेशा नंबर्स के थ्रू रिलेशन को फाइंड आउट करना इजी होता है, ग्राफ से उतना इजी नहीं रहेगा, मगर हम इकोनॉमिक्स में बनाते हैं तो हम एब्सोल्यूट फिगर के टर्म में बात नहीं करते, हालांकि यहां तो एब्सोल्यूट फिगर के टर्म में बनाया हुआ है मगर एब्सोल्यूट फिगर वहां पर बात नहीं होती है। तो सबसे पहली बात तो आती है कि टीयू जो है वो समेशन है एमयू का। अगर हमको टीयू निकालना है तो हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे एमयू का। एक चीज और है कि अगर आपको सिर्फ टीयू दे रखा है तो भी आप एमयू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, अगर मुझे इसको फाइंड आउट करना है तो टीयू में से 18 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहां पर -2 आ जाए। अगर मुझे ये नहीं दिया है या ये नहीं दिया है तो क्या होगा, 18 और 14 तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी अगर हमको एक फॉर्मूला और बन सकता है कि अगर हमको एमयू निकालना है तो एमयू निकालने का फॉर्मूला जो होगा कि TUN -1, उसमें से जो भी प्रीवियस यूनिट्स होगी उसमें से उसको माइनस अगर कर देंगे तो यहां पर जो आएगा वो आपका MU आ जाएगा। ये तो एक रिलेशन हुआ। दूसरा TU इंक्रीज सो लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। TU जो है वो आपका बढ़ रहा है जब तक आपका MU पॉजिटिव है। जैसे MU जो है वो यहां तक पॉजिटिव है, इसके बाद नेगेटिव आ गया। तो अगर हम इसको देखें तो यहां पर यह हो रहा है कि आपका TU जो है वो बढ़ रहा है जब तक कि आपका MU पॉजिटिव है। TU 8 फिर 14 हुआ फिर 18 हुआ 20 है, यहां पर आकर अगर ये 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो रुक गया है, और उसके बाद अगर ये नेगेटिव चला गया तो ये घटना चालू हो गया। तो दूसरा रिलेशन जो दे रखा है कि TU जब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि MU पॉजिटिव होगा। अगर इसको ग्राफ पर देखें कि आपका TU जो है वो बढ़ रहा है, ये यहां तक बढ़ रहा है, ठीक है, यहां पर आकर रुक गया है क्योंकि यहां पर आकर आपकी वैल्यू जो है वो 0 हो गई है। उसके बाद आपका MU जो होगा वो नेगेटिव में चला गया, इस एरिया तक TU MU जो है वो पॉजिटिव है और आपका TU जो है वो बढ़ता हुआ मिल रहा है। तो ये आपका सेकंड रिलेशन है। थर्ड रिलेशन व्हेन MU इज 0, अगर इसको हम यहां पर देखते हैं इस कंडीशन पर MU आपका 0 है तो आपका TU जो है वो मैक्सिमम है, यानी ये 0 है तो वो 20 है। अगर इसी चीज को ग्राफ पर देखें तो यहां पर आपका फिफ्थ यूनिट पर MU जो है वो 0 हो रहा है और TU जो है वो आपका टॉप पर है, पिक पर है। When MU is negative, अगर आपका MU negative हो गया, -2 आ गया तो ये जो TU होगा वो 18 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि आपका MU जैसे ही 0 से नीचे की तरफ गया, नेगेटिव साइड पे चला गया क्योंकि ये वाला जो है वो नेगेटिव एरिया होगा, और तो यहां पर अगर आपका MU नेगेटिव में चला गया तो TU आपका डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा, डिमिनिश होना चालू हो जाएगा।
when mu is negative, TU start diminishing. Decreasing mu implies that TU is increasing at a decreasing rate. यहाँ पर अगर आपका mu ये बता रहा है, decreasing mu implies that TU is increasing at a decreasing rate. अगर आपका जैसे पहली रोटी पर सेटिस्फेक्शन जो था वो 8 था, फिर 6 था, ये 4 था, तो इसका मतलब क्या है कि mu जो है वो डिक्रीज हो रहा है और TU is increasing, मगर TU आपको बढ़ता हुआ मिल रहा है. बढ़ता हुआ कैसे मिल रहा है कि यहाँ पर 8 है और ये 6 से बड़ा, ये 4 से बड़ा और ये जो है वो 2 से बढ़ रहा है. तो TU बढ़ तो रहा है मगर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है. यही सारे रिलेशन है. अगर शेड्यूल्स के थ्रू आप याद रखेंगे तो थोड़ा टफ होता है, ग्राफ के थ्रू अगर याद रखेंगे तो थोड़ा टफ होगा, लेकिन अगर शेड्यूल को आपने दिमाग में रखा तो आसानी से आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं और जनरली ये इजी पड़ता है, इतना टफ नहीं होता है.